नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो डेफिनेटली आप भी जीवन भर बुढ़ापे से दूर रहना चाहते हैं और अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं और अभी तक जो भी आप कमाई कर रहे हैं उसको आप अपनी सही जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि आजकल की भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बहुत तेजी से भाग रहे हैं और अपनी हेल्थ को बहुत पीछे कर रहे हैं, जिसकी वजह जो भी हम अर्न कर रहे हैं वो हमारी सिर्फ बीमारियों में जा रहा है, हॉस्पिटल के चक्कर काटने में। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे 21 नियम शेयर करूंगी जो आपको बुढ़ापे से तो बचाएगा ही बचाएगा और साथ में बहुत सारी बीमारियों का इलाज आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो चलिए, इतना सब होने के बाद इतनी सब एक्साइटमेंट तो हो ही गई होगी कि क्या है कुछ खास इस वीडियो में, तो फटाफट से आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज आपके साथ जो मैं रूल्स शेयर कर रही हूं, उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, लेकिन प्लीज अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। सुबह के समय खाली पेट 2 ग्लास गुनगुना पानी जरूर पिएं, जिससे कि आपकी आंतों में से मल जो चिपका हुआ है वो अच्छे से बाहर निकलेगा और आपके पेट की सारी गंदगी शरीर की गंदगी साफ हो जाएगी। नेक्स्ट रूल है, सुबह खाली पेट कभी भी चाय ना पिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इन फ्यूचर अल्सर की शिकायत हो सकती है। आपके पेट में गैस, एसिडिटी, अफारा सारा दिन बना रहेगा, आपको हमेशा भारीपन रहेगा, आपका पेट फूला रहेगा और धीरे धीरे जब आप ऐसा रोजाना करेंगे तो आपकी डाइजेशन पावर बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है, दिन में 8 से 12 ग्लास पानी सिप सिप करके पिए। जी हाँ, हम में से बहुत सारे लोग पानी तो लेते हैं, पीते हैं, लेकिन एकदम से गटक गटक के पी जाते हैं। कभी भी आपको इस तरीके से पानी नहीं पीना, हमेशा सिप सिप करके पीना है ताकि आपका जो मुंह का स्लाइवा है यानी जो थूक है वो पानी के साथ मिल जाए और आपके बॉडी में धीरे धीरे कर वो जाए ताकि किडनी उसको फिल्टर कर पाए और किडनी पर ज्यादा लोड ना पड़े। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है ताकि आपके पेट में जो एसिड बनता है वो इसी वजह से बनता है क्योंकि हम बहुत ज्यादा गटक गटक कर पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूल है कि अपने दवा को कभी भी ठंडे पानी से ना लें। कोई भी अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो ठंडा पानी अवॉइड करें, इस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सुबह खाने के साथ जूस पीना चाहिए तो आपका खाना आपको बहुत अच्छे से पचना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, खाना कम से कम 32 बार चबाकर खाना चाहिए। ये रूल हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप ऑनेस्टी के साथ बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आप खाना कितनी स्पीड से खाते हैं और कितने मिनट में खत्म कर लेते हैं। क्योंकि जब हम खाने को बहुत बार चबाएंगे तो आप ओवर ईटिंग से बचेंगे, क्योंकि खाना जब आप चबाते हैं तो उसमें आपकी मेहनत लगती है और आप थक जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप ओवर ईटिंग से बचेंगे। और जब हम खाने को मुंह में अच्छे से चबाएंगे तो वो रस बन जाएगा और आपको अच्छे से पचेगा, तो मोटापा आपके पास कभी भी नहीं फटकेगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूल है, खाने के समय पानी कभी ना पिए, 30 मिनट पहले या फिर बाद में पिए और खाने के बीच में पानी नहीं पीना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूल है, खाने में सफेद नमक बिल्कुल बंद कर दें, सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, खाना खाने के बाद सौंफ या गुड़ जरूर खाएं, जो आपके डाइजेशन को बेहतर बनाती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सुबह या दोपहर के समय साधारण दही जरूर लें। जी हाँ, दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपके गट हेल्थ को यानी आपके पेट को बहुत अच्छा करती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, खट्टी डकारों से आपको छुटकारा दिलाती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूल है, खट्टे फलों का सेवन रात में ना करें क्योंकि वो आपको पचते नहीं है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूल है, जिन्हें कब्ज रहती है वे शाम के समय पपीता जरूर खाएं, आपकी कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टीवी या मोबाइल देखते हुए खाना कभी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आप ओवर ईटिंग करने लगेंगे और आपका वजन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूल है, रात को सोते समय अपने पास मोबाइल ना रखें, ऐसा करने से उसमें जो रेज निकलती हैं वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करती हैं और आप साउंड स्लीप यानी एक अच्छी नींद नहीं ले पाते। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सुबह नाश्ते से पहले और रात को खाने के बाद कम से कम 500 कदम जरूर चलें। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रात के समय दही चावल, राजमा चावल बिल्कुल ना खाएं क्योंकि ये आपके पेट में एसिड बनाते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फ्रिज में रखा ठंडा पानी ना पिएं। नेक्स्ट पॉइंट है, रात के समय दांत साफ करके 1 ग्लास पानी पीकर सोएं, इससे आपको कभी भी दिल की बीमारी नहीं होगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शाम 5 बजे के बाद भारी भोजन ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है, हमेशा अपने बाएं कान से फोन कॉल का जवाब दें। नेक्स्ट पॉइंट है, रात में 10 बजे से 4 बजे तक जरूर सोएं, ज्यादा लेट सोना बंद कर दें और सुबह उठना शुरू कर दें, आप पहले से ज्यादा चुस्त और दुरुस्त फील करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए मस्त रहा होगा ना, बहुत सारी अच्छी टिप्स जो दी हैं, तो प्लीज अपनी ईशा के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारी सी स्माइल के साथ, और हाँ, पसंद आ जाए तो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे भी इतने सारे आप लोग सोशल मीडिया अकाउंट यूज करते हैं, वहाँ पर जमकर मेरी वीडियो को फैला दीजिएगा। गुड लक।